कुछ लोग बोल देते हैं विकास के बारे में, लोगों को मालूम ही नहीं है बिहार का कितना विकास हुआ। सब नेता लोग मुखाता के नेता बनावता तो गरीब से बना मजबूत होकर चल जाता जाके बैठ के आ गरीब का मोच के खाता। कितना सरकार होइल ना कितना सरकार होइल सब देखता देखता हमनी के मरे के किनारे आ गई। रोड पर लाइकन लेकर रहतानी सब इतना तो महंगा सब कुछ सामान हो गल बा, गरीब आदमी कहां से किनी का करी। 800 रुपए बनियारी मंदिर काटी होई सब लोग रोटी हो जाता जब बीत जाता तो सब लोग जाने जाने के साधन क्या है? टेम्पू से यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। देश विदेश जाकर बाल बच्चे लोग को बनेरे मर जाता है और मुंह नहीं देखो नहीं क्या देखो ठोकर वाली मर गई लोग केरला में ठोकर लाग के केरला में अब की डेढ़ महीना भइल माने डेढ़ महीना होता है दे इकर मालिक मर गई तो पर कमाए के कोई लोन आए मुंह मर गई। इनके हस्बैंड जो है ये जम्मू कश्मीर में काम करते थे मगर एक महीने पहले उनकी वहाँ मृत्यु हो गई मगर इनको कोई भी कंपनसेशन कोई मुआवजा नहीं दिया गया उसकी कोई उम्मीद भी नहीं दी गई कि मिलेगा। और इनके दो बेटियां हैं दो आपकी बेटी बच्ची उनकी शादी करना है और ये अब अकेले घर संभाल रहे हैं कोई संभालने वाला नहीं है कोई मुआवजा नहीं मिल जाएगा। मजदूरी 100 रुपया सबसे ज्यादा दिक्कत होना बात मनरेगा लेके चला क्या कहानी है लोग अपना फेवर का लोग का बनवा लेता है कार्ड ठीक है और लेबर से अपना काम करवा के उसी कार्ड पे पेमेंट करवाता है जो लेबर लोग का जो कार्ड बनता है उसी कार्ड पे पेमेंट करवाता है मतलब वो अपने आदमी का अपने थ्रू का पैसा निकाला जा सके ठीक है उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। कौन तो 25 घर से ऊपर है टोटो 25 को घर से ऐसा ही हालत जो है ना नदी के ऊपर जो हम लोग नहीं गए ना ऐसा ही हालत है उधर सब जगह खराब बाढ़ कटले बटे तो वहाँ से उजर के यहाँ आके बसल बाद मैनाटांड प्रखंड और सिकटा प्रखंड ये दोनों चंपारण का नंबर 1-2 प्रखंड में बाढ़ पीड़ित एरिया है। इस 4-5 गांवों में प्रत्येक साल बाढ़ आती है और बाढ़ से 4 साल के अंतराल में लगभग 90 से 100 घर की कटाव हुई है। वहां पर डैमेज विभाग को DDC ने आदेश दिया पक्का ठोकर का निर्माण कराने का मगर विभागीय उदासीनता के कारण उस बंगाली टोला बिरंची में कोई बाढ़ निरोधी कार्य नहीं पूर्ण हुआ ना पक्का ठोकर का निर्माण हुआ। स्थिति यह है कि वहाँ का लोग पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। पैसा भरते हैं इतना इतना पैसा होता हम गरीब आदमी कहाँ से देगी इतना पैसा। पैसा में लेट हो जाला तो तार काट दे लो फिर जुड़ाला तो 1200-1300 रुपया पड़ा तो जुड़े ला लो। एक छोटा सा घर है मान लीजिए उसमें सिर्फ 2 बल्ब जलता है सर गर्मियों सीजनों में सिर्फ 2 पंखा चलता है 2 बल्ब है 0 वाट का उसमें सर 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार का बिल आता है सर। आप बताइए जो हम लोग इतना लंबा बिल आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। कैसा रोड है हम लोग को लाज नहीं है इतना इतना पानी हेल करके जाते हैं कपड़ा उठा कर कैसे ही हेलते हैं बच्चे भी डूब जाते हैं लोग इसके लिए सरकार है ही नहीं है। वोट ले लेने के बाद बैठ जाता है उसके बाद पब्लिक जहानों में जाए कुछ भी हो जाए इसके लिए नहीं है सरकार। ओरिजिनल काम कोई नहीं होता है नहीं होता है ना कोई भी काम ओरिजिनल नहीं होता है चाहे कोई भी करावे। ये रोड अभी गोली पात बन रहा है ना जी 6-7 महीने पहले ही 6 महीने पहले अभी तो टूट गया है
टूट गया। देखिए आपके पास अभी 6 महीने दिन बना हुआ पहले पीसीसी ढलाइया हुआ था, उसके बाद टूट गया। देखिए 6 महीने का टूट गया। हम ठेकेदार से बोले जैसे काम क्यों करते है, वो बोलता है का जो वार्ड सदस्य घूस मांग रहा है, तो हम भाग गए। अभी बरामदा पर दरी बिछाकर बैठे हुए बच्चे, इस बरामदा पर भी बच्चे हैं, अब भवन की कमी से बैठाना पड़ता है, सर्दी में तो ग्राउंड में बिठाते हैं। विद्यालय में प्रतिदिन मात्र 2 ही शिक्षक आते हैं, बच्चों की संख्या भी नगण्य के बराबर है। हॉस्पिटल है क्या? हम लोग डॉक्टर का इंतजार करते करते उसमें जितना गजेड़ी भंगेड़ी है लपेड़ा है, अब मान लीजिए जो उसमें कोई आदमी नहीं रहता है तो सादा के लिए खाली रहेगा। अभी के पीरियड में तो उसमें 10 लड़का अभी भी पी रहा होगा गांजा स्माइक, जो भी जितना नशा होता है सब उसमें होता है, दारू वगैरह सब भी उसमें शाम में पिया जाता है और कुछ नहीं। कोनो सरकारी सुविधा खोजल जाता तो हमने के नहीं मिलत, सब वही खत्म हो जाता, हॉस्पिटल में जाल जाता मरीजी लेके तका तो बेतिया जा, पटना जा और गोरखपुर जा मेडिकल में, यहाँ कोनो सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब आते हैं 12-1 बजे खाओ कर यहाँ से चले जाते हैं, दूसरा कौन काम करते हैं। इस हॉस्पिटल में पहले डिलीवरी होता था लेकिन आज के डेट में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर, कोई यहाँ लेडीज डॉक्टर चाहे जेंट्स डॉक्टर कोई नहीं आता है, कोई दवा ववा नहीं मिलता है, किसी को उससे सुविधा नहीं है। बिल्डिंग भर बन गया है लेकिन उस बिल्डिंग अस्पताल से गांव का कोई सुविधा नहीं मिलता है। 2007 में बना, तब से आज तक तो कोई डॉक्टर नहीं आया। चीनी मिल पूरा खोखला हो गया, इसमें का जितना भी सामान था सब खत्म हो गया, कितना वर्कर लोग तो मर चुके, एक ही नहीं है कितना वर्कर यहाँ का मर चुका है, कितना केवल भूख है प्यासे, कुछ मिलता नहीं है, सरकार कुछ देती नहीं है खाने के लिए। मेरे पिताजी इसमें नौकरी करते थे, ये संस्था बैठ जाने से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम में है, उसके अलावा ये चनपटिया भी बैंक में चला गया। देखिए धान का भाव है ये नहीं है, खादर का भाव है ये दुनिया भर का, दवाई का रेट दुनिया भर का है, किसान करेगा क्या, किसान तो यही धान न बेच कर कुछ ही भी करेगा। यूरिया कभी वो सरकारी रेट में मिलता ही नहीं है, कभी 200-300 450 में भी हम लोग खरीद कर अपना खेती किए, आता है मगर इधर रहता रुकता नहीं है, नेपाल भी चला जाता है और ब्लैक बेच देता है लोग डीलर लोग। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, देश में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बदहाली, अशिक्षा, भुखमरी देश में सबसे ज्यादा हम लोग के राज्य बिहार में है। हम भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यही सरकारी स्कूल से पढ़कर हम भी निकले हैं, इसी मिट्टी के बेटे हैं, तो इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आए हैं। अगर हमको भगवान ने कुछ क्षमता दी है और हम नहीं प्रयास करेंगे तो किसका हिम्मत पड़ेगा, कौन प्रयास करेगा, इसलिए वापस आए हैं।